hello everyone i hope you are doing well myself manjula now see when we you know done this chapter that is challenges of nation building we left this uh, topic that is jammu and kashmir uh, integration topic we left over there because it is mentioned in the book that uh, this topic will be discussed in chapter number 8 okay regional uh, aspirations in that chapter it will be discussed but you all know it very well that uh, for the session 2020 21 that chapter has been deleted so now that's why I thought I should cover this topic because uh, in the updated revised syllabus it is mentioned Jammu Kashmir issue is there. So I will discuss about that particular topic in this video. Let's start. If you want to get the PDFs of uh, every video I upload, for that you have to search Manjula Mama official in the Telegram channel and get it from there. Now in this particular topic which we are going to discuss, that is about Jammu Kashmir issue. I taken the material from uh, chapter number eight, regional aspirations, page number one fifty one, one fifty four, one fifty five, and then along with that, the additional materials provided by CBSA that also added in this one. So this uh, video will be, you know, will have a detailed description about that Jammu and Kashmir issue. Let's uh, begin with first with the content which is actually given in this uh, page number one fifty one to one fifty five. Let's start. न उसी जम्मू एंड कश्मीर कंप्राइज ऑफ मेनली थ्री पार्ट जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख रीजन ओके मैप में यहाँ पर लोकेशन देखना लद्दाख रीजन ओवर ही एंड दिस वन जम्मू कश्मीर कश्मीर वैली वी कॉल इड और ये जो लाइट ग्रीन है ना दिस वन इज एक्चुअली यू नो ऑकुपाइड बाई पाकिस्तान इलीगली दिस वी कॉल इड बेसिकली पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और ये जो रीजन है अक्साइज एंड दिस इज एक्चुअली कंट्रोल्ड बाई चाइना और यहाँ चाइना के साथ जो बॉर्डर जो हमारा है दैट वी कॉल इट एल ए सी और पाकिस्तान के साथ जो बॉर्डर है ओवर हियर वी कॉल इट एल ओ सी ओके अच्छा जम्मू जो रीजन जो है वो बेसिकली यू you नो know, वहाँ पर फुट हिल्स भी है और इट्स अ प्लेन रीजन एज वेल मिक्स ऑफ और इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन इफ वी सी मेजोरिटी यू नो कश्मीरीज़ आर बेसिकली मुस्लिम और कुछ लोग वहाँ पर कश्मीरीज़ हिंदू भी हैं एंड इफ़ यू टॉक अबाउट लद्दाख रीजन वो बहुत माउंटेनियस रीजन है और पॉपुलेशन काफ़ी कम है यहाँ पर लद्दाख रीजन में इट्स अ लेस पॉपुलेटेड एरिया और यहाँ पर बुद्धिस्ट मुस्लिम्स दोनों का रिलीजियस कम्युनिटी के लोग आपको मिल जाएंगे वहाँ पर ओके एंड रिसेंटली यू हैव सीन इन टू दैट दिस जम्मू एंड कश्मीर स्टेट हैज यू नो डिवाइडेन टू टू यूनियन टेरेटरी ये वाला एक यूनियन टेरिटरी है दैट वी कॉल इट जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी और ये रीजन पूरा दिस वी कॉल इट पाकि दिस वन बेसिकली लद्दाख यूनियन टेरिटरी और इसमें पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर रीजन को भी शो किया हुआ है एट द सेम टाइम अक्साई चंद रीजन को भी शो किया हुआ है बिकॉज इंडिया बिलीव दैट यू नो दिस फुल पार्ट इज एक्चुअली बिलोंग्स टू इंडिया ओके सो दिस इज़ बेसिकली लद्दाख यूनियन टेरिटरी और इस लद्दाख यूनियन टेरिटरी में दो मेन डिस्ट्रिक्ट हैं लेह डिस्ट्रिक्ट और कारगिल डिस्ट्रिक्ट फ़ाइन अब हम डिस्कस करते हैं रूट प्रॉब्लम कहाँ पर है सी बिफोर 1947, जम्मू एंड कश्मीर क्या था इट वॉज अ प्रिंसली स्टेट ओके वहाँ के रूलर थे महाराजा हरि सिंह और ब्रिटिशर्स का जो पैरामाउंटे सिस्टम जो था प्रिंसली स्टेट इट was डिसाइडेड दैट जिस दिन ब्रिटिश रूल एंड होगा इंडिया में तो एट दैट टाइम उनका जो पैरामाउंटेस सिस्टम प्रिंसली स्टेट्स के साथ जो एग्जिस्ट करता था दैट वुड लैब्स ओके तो प्रिंसली स्टेट्स के पास उसके बाद विद द लैब्स ऑफ पैरामाउंटेन सिस्टम दे हेड थ्री या तो वो पाकिस्तान की तरफ ज्वाइन हो जाए या फिर वो इंडिया की तरफ जॉइन हो या फिर वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन के रहे फाइन बहुत सारे प्रिंसली स्टेट जो थे उन्होंने डिसाइड कर लिया था एंड दे जॉइन विथ इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस कुछ प्रिंसली स्टेट्स के साथ प्रॉब्लम थे वी डिस्कस दैट इन प्रीवियस पार्ट्स अबाउट जूनागढ़ हैदराबाद भोपाल और मणिपुर के साथ भी कुछ प्रॉब्लम था तो दैट यू नो तो ये कुछ ऐसे प्रॉब्लमैटिक स्टेट्स थे प्रिंसली स्टेट्स उसमें जम्मू एंड कश्मीर भी था तो जम्मू एंड कश्मीर में बेसिकली प्रॉब्लम क्या था यहाँ पर जो रूलर जो थे महाराजा हरि सिंह ही सेड दैट ना ही वो पाकिस्तान की तरफ ज्वाइन होंगे और ना ही इंडिया की तरफ ज्वाइन होंगे ही सेड कि वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन के रहेंगे ओके okay? वो नहीं चाहते थे किसी की तरफ भी ज्वाइन होना बिकॉज पाकिस्तान एक इस्लामिक स्टेट है तो वहाँ पर वो रूल नहीं कर पाएंगे और इंडिया एक प्रो डेमोक्रेसी चाहता है एक सेकुलर कंट्री है तो वहाँ पर भी नहीं कर पाएंगे रूल फाइन तो वो एक रूलर बन के रहना चाहते थे एंड वॉट पाकिस्तान लीडर्स क्लेम दे सेट जम्मू एंड कश्मीर का जो मेजोरिटी पॉपुलेशन है दैट इज़ यू नो मुस्लिम तो इट शुड बी पार्ट ऑफ पाकिस्तान ओके okay? तो ये पाकिस्तान का वर्जन था और उसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लीडर इमर्ज हुए थे अमंग द पीपल ना हुआ जी वो शेख अब्दुल्ला शेख अब्दुल्ला बेसिकली जो अभी प्रेजेंट में जो फारूक अब्दुल्ला है फारूक अब्दुल्ला शेख अब्दुल्ला का बेटे हैं और उमर अब्दुल्ला दैट इज़ सन ऑफ फारूक अब्दुल्ला वो बेसिकली शेख अब्दुल्ला अभी जो प्रेजेंट में उमर अब्दुल्ला है उसके उनके ग्रैंड फादर हैं ओके okay? ना शेख अब्दुल्ला जो थे बहुत ज़्यादा एजुकेटेड थे एंड ही वाज नॉट एबल टू फाइंड गुड जॉब इन जम्मू एंड कश्मीर इट वाज बिलीव्ड एट दैट टाइम के जितने भी जो पोस्ट हैं दैट वाज एक्चुअली महाराजा हरि सिंह जो थे वो हिंदू को प्रेफर करते थे ओके okay? सो so, वो बेसिकली मुनाक के रूल के शेख अब्दुल्ला मुनाक रूल के अगेंस्ट थे वो नहीं चाहते थे यहाँ पर कोई मुना के रूल करें और यहाँ पर एक डेमोक्रेसी आए ओके okay, तो उन्होंने एक पॉपुलर मूवमेंट स्टार्ट किया था विच वी कॉल इट कश्मीर छोड़ो आंदोलन और उसमें वो चाहते थे कि महाराजा हरि सिंह कश्मीर को छोड़ दें और उनका रूल यहाँ पर ख़त्म हो जाए ही वॉज अगेंस्ट जॉइनिंग विद पाकिस्तान ओके और शेख अब्दुल्ला फोटो यहाँ पर देख सकते हो शेख अब्दुल्ला जवाहरलाल नेहरू के काफ़ी क्लोज फ्रेंड थे एंड ही वॉज यू नो सेकुलर बाई नेचर और वो पाकिस्तान अगेंस्ट थे और प्रो डेमोक्रेसी चाहते थे यहाँ पर वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि किसी भी हालत में पाकिस्तान की तरफ जुड़ना ठीक है नाउ अब इन सारे क्योंस में हुआ क्या कि जो महाराजा हरि सिंह जो थे उन्होंने सिंस शेख अब्दुल्ला काफी मूवमेंट चला रहे थे यहाँ पर स्ट्रॉन्ग पॉपुलर मूवमेंट तो उनको जेल में डाल दिया था और इसी टाइम पीरियड में इंडिया, इंडिया इंडिपेंडेंट भी हो गया था तो कश्मीर जो था वो सॉल्व नहीं हुआ वो इश्यू कि वो किसके तरफ ज्वाइन होगा पाकिस्तान और इंडिया ये कन्फ्लिक्ट चलता जा रहा है वहां पर नाउ अक्टूबर नाइनटीन में इंडिपेंडेंस के बाद उस टाइम पे एक लाइक प्रॉब्लम होता है व्हाट इज दैट प्रॉब्लम पाकिस्तान कुछ ट्राइबल ग्रुप्स को सपोर्ट करता है कि वो जम्मू एंड कश्मीर को अटैक करें और उन रीजन को कंट्रोल कर ले ओके ना अब उस ट्राइबल ग्रुप जिन्होंने अटैक किया था जम्मू एंड कश्मीर रीजन को उनको हम कहते हैं आज़ाद कश्मीर फोर्स इट वॉज नॉट अ पाकिस्तान दैट फॉर्मल फोर्स बिकॉज फॉर्मल फोर्स के थ्रू अटैक करते तो इट वुड हैव ट्रीटेड दैट पाकिस्तान ने अग्रेशन कर दिया उसने अटैक कर दिया बट येस yes, वो ट्राइबल ग्रुप्स के थ्रू उन्होंने अटैक करवाए थे एंड दो ट्राइबल ग्रुप्स वर वे वेरी वेरी वे क्रूअल इन नेचर बहुत ही ज्यादा उन्होंने क्रूअल एक्टिविटीज यहाँ पर किया था तो उस अटैक में क्या हुआ पाकिस्तान यू नो ऑक्युपाइड ये जो रीजन है ना पाकिस्तान ऑक्युपाइड रीजन ये उसी टाइम पे पाकिस्तान ने ऑक्युपाई किया था ओके और इस अटैक में पूरा नियरली वन थर्ड जो है वो पाकिस्तान के कंट्रोल में आ गया था रीजन और टू थर्ड रिमेनिंग टू थर्ड ऑफ रिमेनिंग जम्मू कश्मीर जो था वो इंडिया के कंट्रोल में था ओके अच्छा इस अटैक में फिर महाराजा हरि सिंह ने क्या किया था ही आस्ट हेल्प फ्राम इंडिया कि इंडिया जो है उन, उनको उनको हेल्प करे बिकॉज उनके पास इतनी स्ट्रांग आर्मी नहीं थी कि उनके साथ वो डील कर सके राइट नाउ इंडिया सेट कि हम किस राइट से आपको हेल्प करें बिकॉज यू नॉट साइन दैट इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन लीगली जम्मू एंड कश्मीर इंडिया का पार्ट बना नहीं है तो बिफोर आई मीन विदाउट बींग पार्ट ऑफ इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया तो इंडिया कैसे हेल्प कर सकता है जम्मू एंड कश्मीर को ओके सो इंडिया ने यह कहा था कि आप इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करो एंड देन वी विल सपोर्ट यू फाइन महाराजा हरि सिंह देखो अटैक किस दिन हुआ था ट्वेंटी अक्टूबर ट्वेंटी सिक्स अक्टूबर को महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेसन साइन किया इट्स अ लीगल डॉक्यूमेंट वेयर ही सेट दैट ही दैट जम्मू एंड कश्मीर विल बिकम पार्ट ऑफ दिस इंडिया ओके इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन ट्वेंटी महाराजा हरि सिंह ने साइन किया एंड देन बाई द मिड नाइट अराउंड रात के बारह बजे के आसपास अगर उसमें जो गवर्नर जनरल है उनका भी साइन होना होता है तो उन्होंने भी साइन किया बाय ट्वेंटी सेवेंथ अक्टूबर इंडिया ने अपने आर्मी फोर्स को जम्मू एंड कश्मीर भेजा और सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करी ओके okay? अच्छा ये सिचुएशन था अब इसमें बीच में ऐसा हुआ कि यू नो जवाहरलाल नेहरू जो थे उन्होंने इस मैटर को जम्मू एंड कश्मीर के इशू को जब पाकिस्तान अटैक किया था इस मैटर को जवाहरलाल नेहरू थर्टी फर्स्ट दिसंबर 1947 को बेसिकली वहाँ पर यूनाइटेड नेशन में लेके चले गए थे नाउ उनका यह माना था कि लाइक like, पाकिस्तान के बारे में हम ऐसे बताएंगे दैट यू नो पाकिस्तान डन दिस बाई एग्रेशन तो सोल्यूशन ज़्यादा बेटर मिल सकता है वॉज यूर इंटेंशन वॉज वेरी गुड ओके बट ये सिचुएशन वेंट रॉन्ग फ्रॉम दैट इंसिडेंट और वो वहाँ यूनाइटेड नेशन में लेके चले गए थे एंड यूनाइटेड नेशन ने एक रेजोल्यूशन पास किया एंड दैट रेजोल्यूशन वॉज पास ऑन दिस डेट डेट बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना ट्वेंटी फर्स्ट अप्रैल नाइनटीन फोर्टी एट उस रेजोल्यूशन में तीन स्टेप्स है इस जम्मू एंड कश्मीर के इशू को सॉल्व करने के लिए थ्री स्टेप्स है नाउ व्हाट इज दैट फर्स्ट वन सबसे पहले पाकिस्तान की जो फोर्स है और जो उसके नेशनैलिटीज जम्मू एंड कश्मीर में जो उस रीजन को ऑक्यूपाई रहे वो विदड्रॉ कर ले वो पाकिस्तान चले जाए पहला स्टेप सेकेंड इंडिया उसके बाद अपने जो फोर्सेस को उतना रिड्यूस करेगा जितना रिक्वायर्ड है जिससे हम लॉ एंड ऑर्डर को वहां पर मेंटेन कर सकते हैं इट्स नॉट दैट कि इंडिया पूरे फोर्स को रिमूव करे नो no. सिर्फ उतना रिड्यूस करेगा जिससे वहां पर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रख सकते हैं फाइन इन दोनों स्टेप्स जब फुलफिल हो जाएंगे उसके बाद वहां पर प्लबिसाइड होगा दैट इज लोगों के थ्रू वोटिंग किया जाएगा कि विथ विच पार्ट डी वॉन्ट टू बी दे वॉन्ट टू जॉइन विद पाकिस्तान और विद इंडिया नाउ ये दोनों कंडीशन के बाद ही ये वाला थर्ड कंडीशन पॉसिबल है अब ये दोनों कंडीशन अब इस रेजोल्यूशन में ये हुआ कि साइन तो किया बट ये कंडीशंस कभी फुलफिल हुआ ही नहीं तो इसलिए आज तक प्लेबिसाइड वहां पर नहीं हुआ ठीक है और उसके बाद हुआ ये था कि वॉट द एरिया ऑक्युपाइड बाय पाकिस्तान वो बन गया पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और वहां पर एलओसी एग्जिस्टेंस में आया और बाकी रीजन जो था वो इंडिया का पार्ट था फाइन टू थर्ड जो जम्मू कश्मीर का वो इंडिया का था ना अब इन सिचुएशन में से रेजोल्यूशन भी लाइक like, एक्सेप्ट uh, नहीं हुआ लाइक इट वॉज नॉट इम्प्लीमेंटेड एट द ग्राउंड लेवल तो uh, उस एमरजेंसी सिचुएशन में शेख अब्दुल्ला जो एक बहुत ही सेकुलर पर्सन थे जिनका ये मानना था कि हिंदू एंड मुस्लिम को डिवाइड नहीं करना चाहिए वी शुड वर्क फॉर दी कश्मीरी पीपल जो उनकी आइडेंटिटी है कश्मीरियत ओके okay? उसके लिए हमें काम करने की ज़रूरत है ही वॉज अगेन दिस हिंदू एंड मुस्लिम डिविजन नॉन वो बहुत सेकुलर नेचर के थे प्रो डेमोक्रेटिक पर्सन थे और इसलिए उनको बेसिकली वो काफ़ी पब्लिक में बहुत इंपॉर्टेंट लीडर भी थे पूरे लोगों के तो देन ही वॉज मेड एज दी प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आई एम सेंग प्राइम मिनिस्टर एट दैट टाइम जो चीफ मिनिस्टर होते हैं दैट वॉज यू नो ट्रीटेड एज अ प्राइम मिनिस्टर पोस्ट तो ये डिफरेंट uh, टर्म्स हम यूज़ करते थे उस टाइम पे लेटर ऑन इट वॉज चेंज एंड इंडिया ने फिर क्या किया था अफकोर्स शेख अब्दुल्ला एंड और कुछ यू नो डिफरेंट जम्मू एंड कश्मीर के लीडर्स के साथ इंडिया ने लाइक मीटिंग सेट किया था दिल्ली में मीटिंग्स uh, हुए थे एंड देन शेख अब्दुल्ला देखो ये वो टाइम पीरियड है नाइनटीन की बात कर रही हो एंड इस टाइम पर हमारी कॉन्स्टिट्यूशन भी बन रही थी ओके okay? तो जम्मू एंड कश्मीर को कॉन्स्टिट्यूशन का इंटीग्रल पार्ट बनाना है ना सो so, उस टाइम पे शेख अब्दुल्ला के साथ और डिफरेंट लीडर्स के साथ जवाहरलाल नेहरू सरदार वल्लभ भाई पटेल इनकी मीटिंग हुई थी एंड देन शेख अब्दुल्ला हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो थी उस टाइम पे एट द लेटेस्ट स्टेज ही वॉज वन ऑफ द मेम्बर ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली शेख अब्दुल्ला उसके साथ तीन और मेम्बर्स भी आए थे एंड देन ऑल वर्क टुगेदर और इंडिया ने फिर जम्मू एंड कश्मीर को एक काइंड ऑफ स्पेशल स्टेटस ऑटोनमी प्रोवाइड किया था थ्रू दिस आर्टिकल थ्री सेवेंटी ओके तो यहाँ पर आया था आर्टिकल थ्री सेवेंटी का एग्जिस्टेंस फाइन अच्छा आर्टिकल थर्टी फाइव ए भी आपने सुना होगा एंड दिस आर्टिकल थर्टी फाइव ए जो है इसको बेसिकली प्रेसिडेंट उस टाइम के जो हमारे प्रेसिडेंट थे राजेंद्र प्रसाद उन्होंने अपने ऑर्डर के थ्रू 1954 में उन्होंने एक ऑर्डर निकाला था जिसको हम कहते हैं द कॉन्स्टिट्यूशन अपलिकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर नाइनटीन उस ऑर्डर के थ्रू थर्टी ए को बेसिकली uh, ये आर्टिकल एग्जिस्टेंस में आया था तो ये कोई ऐसा नहीं है स्टार्टिंग में ही था इट वाज केम थ्रू दिस प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 1954 लेट मी शो यू दैट हियर दिस इज दैट ऑर्डर द कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 1954 इस ऑर्डर के थ्रू दैट थर्टी ए जो है वो एग्जिस्टेंस में आया था आई विल शो यू दैट थर्टी ए जहां पर यह मैंशनड है Now, यहाँ पर ये यह मैंशनड है थर्टी फाइव ए सेविंग्स थर्टी फाइव ए सेविंग्स ऑफ लॉज विथ रिस्पेक्ट टू परमानेंट रेजिडेंट्स एंड देयर राइट्स थर्टी फाइव ए जो है बेसिकली ये डिफाइन करता है कि जम्मू एंड कश्मीर के जो परमानेंट रेजिडेंट्स कौन है और उनके क्या स्पेशल राइट्स है लाइक like आपने सुना होगा अबाउट दिस वन डैट जम्मू एंड कश्मीर में प्रॉपर्टी नहीं परचेज कर सकते हो एंड वहाँ के जो ओरिजिनल पीपल है उन्हीं के पास ये राइट right है एंड दैट इज एक्चुअली डिफाइंड बाई दिस थर्टी फाइव ए ओके okay, तो ये जो है हमारे प्रेसिडेंट ऑर्डर के थ्रू प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 1954 के थ्रू आया था ओके okay, सिंस ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 1954 के थ्रू आया था तो जब 2019 में इसको रिमूव किया था इसको रिवोक किया था दिस 35 ए उसको भी एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर रामनाथ कोविंद ने एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर पास किया था एंड सेम ऐसा ही ऑर्डर था और उसमें फर्क क्या क्या था दैट और भी बहुत सारे प्रोविजन सर्वे डिफरेंट थे तो ये जो लाइन है ना दिस कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर नाइनटीन फिफ्टी फोर की जगह वहाँ लिखा हुआ था टू थाउजेंड नाइनटीन आई विलटर एक्सप्लेनेशन सेल थ्री सेवनटी एग्जिस्टेंस में आया दैन थर्टी फाइव एजिडेंशियल ऑर्डर ऑफ नाइनटीन फिफ्टी फोर ना इन स्पेशल प्रोविजन को प्रोवाइड करने के बाद भी जो पॉलिटिक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है दैट रिमेन कॉन्ट्रोवर्शियल एंड कंफ्लिक्ट वहां पर बहुत ज़्यादा वायलेंस होता रहता है एंड नाउ लेट्स से पॉसिबल रीजंस क्या है टू मेन पॉसिबल रीजंस है फर्स्ट बट एक्सटर्नल फैक्टर एंड देन इंटरनल फैक्टर नाउ एक्सटर्नल फैक्टर क्या है एक्सटर्नल फैक्टर वही है दैट पाकिस्तान ये क्लेम करता है कि पूरा कश्मीर वैली जो है वो उसका पार्ट होना चाहिए एंड थ्रू दैट इन्वेजन जब ये अटैक किया था अक्टूबर 1947 में ट्राइबल ग्रुप्स के थ्रू उससे वन थर्ड रीजन को पाकिस्तान ने कंट्रोल uh, कर दिया था और वो ये कहते हैं ये जो रीजन जो है दिस इज़ फुल पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर रीजन है ये इसमें इस रीजन को ये कहता है कि दैट दिस इज़ बेसिकली आज़ाद जम्मू कश्मीर या आज़ाद पाकिस्तान ओके okay. और इस रीजन को कहता है वो गिलगित बल्तिस्तान एडमिनिस्ट्रेड बाय पाकिस्तान फाइन अब ये जो रीजन पाकिस्तान ने कंट्रोल किया हुआ है यहाँ पर बेसिकली uh, कोई ना कोई वायलेंस स्मॉल ऑफ एक्टिविटीज़ Uh, ये बेसिकली क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म वगैरह यहाँ पर वो प्रॉब्लम्स होती रहती है दैट इज वन थे इस किस लिए uh, जम्मू एंड कश्मीर में इंस्टेबिलिटी है सेकेंड वन इज़ दैट इंटरनल रीज़न ना वॉट इज़ द इंटरनल रीजन वी प्रोवाइडेड कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड स्पेशल स्टेटस टू जम्मू एंड कश्मीर दैट इज़ आर्टिकल 370 के थ्रू स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड किया हुआ है एंड बहुत सारे लोग इसके अगेंस्ट है ना वॉट दे से जो अगेंस्ट है दे से दैट आर्टिकल थ्री सेवेंटी जो है दिस डज नॉट अलाउ फुल इंटीग्रेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विद इंडिया स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड करने से वो फुल्ली इंडिया के साथ इंटीग्रेट नहीं हुआ दैट इज द पॉइंट एंड दैट्स दैट्सर दिस दिस शुड बी रिवोक्ड ओके देखो ये बिल्कुल ध्यान रखना कि जम्मू आर्टिकल थ्री सेवनटी पार्ट ट्वेंटी वन में जो मैंशन किया हुआ था दैट वॉर क्लियरली इज़ बेसिकली टेम्प्ररी एंड ट्रांजिशनल प्रोविजन इट इज नॉट अ परमनेंट प्रोविजन इट इज टेम्प्ररी एंड ट्रांजिशनल प्रोविजन टेम्प्रेरी लिखा हुआ दैट मींस इट कैन बी रिवोवनी टाइम ओके दैट्स वाई वी हैव सीन टू थाउजेंड नाइनटीन में रिवो किया था फाइन नाउ जो इसके फेवर में है दैट थ्री सेवेंटीज शुड बी देर उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू डेफिनेटली जो फेवर में होंगे वहां के जो पीपल होंगे वही होंगे तो यहां पर जो कश्मीरी लोग जो है वो ये कहते हैं दैट जो आर्टिकल थ्री uh, सेवेंटी के थ्रू जितना ऑटोनमी उनको प्रोवाइड किया हुआ है दैट इज एक्चुअली नॉट एनफ और ज्यादा उनको ने बेसिकली प्रोवाइड करना चाहिए नाउ वाई दिस उनके थ्री मेजर ग्रीवेंसेज हैं लाइक डिससेटिस्फेक्शन है नाउ लेट्स सी वो थ्री ग्रीवेंसेज uh, क्या है वो फर्स्ट वो ये कहते हैं कि दैट इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के साइन किया था और बाद में नेहरू जी ने भी कहा था कि हम वहां पर लोगों के सहमति से जम्मू एंड कश्मीर को इंटीग्रेट करेंगे तो इसमें यह कहा गया था कि दैट जो ये ट्राइबल इन्वेजन जो जम्मू एंड कश्मीर में हुआ था जब सिचुएशन थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा तो हम प्लेविसाइड कराएंगे दैट इज लोगों के वोटिंग करवाएंगे वो किसके तरफ जाना चाहते हैं नाउ दैट्स वाई दी डिमांड कि वहां पर प्लेबिसाइड होना चाहिए फर्स्ट वन सेकेंड दैट कि जो बेसिकली स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड किया हुआ है थ्रू दिस आर्टिकल थ्री प्रैक्टिकली वो ज़्यादा ऐसा कोई इम्प्लीमेंट नहीं हुआ दैट हैज़ बिन इरोडेड इन प्रैक्टिस कि प्रैक्टिकली उतना उन्होंने स्पेशल स्टेटस नहीं मिल रहे एंड दैट्स वाई दे डिमांड दैट दैट दे शुड गेट ग्रेटर स्टेट ऑटोनोमी ओके एंड थर्ड वॉट डि सेज दैट कि जो डेमोक्रेसी है ना विच इज प्रैक्टिस थ्रू आउट इंडिया वो उतना अच्छे से जम्मू एंड कश्मीर में प्रैक्टिस नहीं हो रहा है सो दैट शुड बी यू नो प्रैक्टिस इन अ वेरी वेल मैनर ये तीन ग्रिवेंस हैं ओके okay? एंड दे सेट दे शुड गेट मोर ऑटोनी जितना थ्री सेवेंटी में दिया उससे ज्यादा और मिलना चाहिए नाउ यह था अबाउट द कंटेंट विच इज़ एक्चुअली देर इन द बुक ओके नाउ लेट सी कि जो रेफरेंस मटीरियल सी बी एस ई ने जो प्रोवाइड किया उसमें क्या फोकस एरिया है नाओ जो रेफरेंस मेटीरियल प्रोवाइड किया हुआ मटीरियल उसमें बेसिकली अगर टू थाउजेंड नाइनटीन में जब थ्री सेवेंटी और थर्टी फाइव ए से रिलेटेड आपने न्यूज़ देखा है देन इट विल बी वेरी इजी अदरवाइज नो प्रॉब्लम आई विच जस्ट एक्सप्लेन दिस और यहां पर मेन फोकस सिर्फ यही है अबाउट थ्री सेवनटी आर्टिकल क्या है थर्टी फाइव ए क्या है उसको रिवोक uh, क्यों किया था क्या जरूरत है ना वट इज द बेनिफिट ऑफ इट तो उस परस्पेक्टिव से सारा ठीक है ना उसे सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि आर्टिकल थ्री सेवेंटी के प्रोविजन क्या कहते हैं देखो आर्टिकल थ्री सेवेंटी ये कहता है फर्स्ट प्रोविजन कि जो पार्लियामेंट जो है ना पार्लियामेंट सिर्फ उन मैटर्स के ऊपर लॉ बना सकते हैं जो बेसिकली इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के टाइम पे लिखा हुआ था नाउ व्हाट आर दे थ्री मेन एरिया से कनेक्टेड है डिफेंस एक्सटर्नल अफेयर्स देन कम्युनिकेशन सो इन तीन जो एरियाज हैं इससे रिलेटेड जो टॉपिक्स uh, होंगे जो मैटर्स होंगे उनके ऊपर पार्लियामेंट लॉ बनाएगा बेसिकली यूनियन लिस्ट और कंक्रेंट लिस्ट में जो मैटर्स दिए होंगे वो इन तीनों से रिलेटेड होना चाहिए उसके ऊपर पार्लियामेंट जो लॉ बनाएगा दैट विल बी एप्लीकेबल टू जम्मू एंड कश्मीर स्टेट ओके सेकेंड वन अगर प्रेसिडेंट ये चाहता है कि दैट यू नो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के और बाकी प्रोविजन जो है दैट शुड बी एप्लीकेबल टू जम्मू एंड कश्मीर स्टेट एज वेल देन उस पर्टिकुलर स्टेट का दैट इज जम्मू एंड कश्मीर के स्टेट गवर्नमेंट का कंकुर होना चाहिए उसका परमिशन होना चाहिए बल सेकेंड पॉइंट नंबर थ्री हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स है आर्टिकल वन एंड आर्टिकल थ्री सेवनटी ये एप्लीकेबल है बाकी नहीं ना आर्टिकल वन क्या कहते हैं आर्टिकल वन सिंपल ये कहता है जम्मू एंड कश्मीर जो है विट इज जो अटेट जो है दैट इज एक्चुअली इंटेग्रल पार्ट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया ओके और थ्री सेवेंटी उसको स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड करता है राइट right. तो इसलिए जम्मू एंड कश्मीर का पैसा ये पावर था कि वो अपना लिए अपने लिए उन्होंने सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन बनाई थी और उनका सेपरेट फ्लैग है और उनका दो सिटीजनशिप है एक तो जम्मू एंड कश्मीर का एंड देन बीइंग बिंग दिटीजनशिप सिटीजन ऑफ इंडिया ओके और वहां के चीफ मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर कहते थे एंड लेटर इट वॉज चेंज फाइन और गवर्नर को सदर रियासत कहते थे ओके okay. और ये जो पॉइंट है ना ये वही पॉइंट है अगर हमें कोई भी लाइक यूनियन लॉज जो uh, जो भी लाइक पार्लियामेंट को लॉज बनाता है वो चाहता है कि वो वहां पर भी इम्प्लीमेंट हो तो बेसिकली वहाँ के स्टेट का कंक्रेंस होना जरूरी है कि वो परमिशन देंगे उसके बाद ही आप वहां पर इंप्लीमेंट कर सकते हो ये वही पॉइंट है जो मैं सेकेंड पॉइंट मैंने आपको समझाया था ओके अच्छा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आई जस्ट वॉन्ट दैट कि इसे मैं मैंशन करूँ आर्टिकल 370 के अंदर ये लिखा हुआ है कि आर्टिकल 370 को हम इनऑपरेटिव कर सकते हैं ओके तो दैट मीन्स इस आर्टिकल को इनऑपरेटिव करने का जो प्रोविजन है वो थ्री सेवेंटी के अंदर है बेसिकली जो मेडिसिन है ना वो इसी में यहां पर ही है यहां पर ही मैंशन किया हुआ you know, uh, है दैट यू नो आर्टिकल थ्री सेवनटी को प्रेजिडेंट बेसिकली इनऑपरेटिव डिक्लेयर कर सकता है बट येस उसमें कुछ प्राय प्रोबी परमिशन वगैरह लेने का सारा प्रोविजन है तो बहुत टेक्निकल चीजें आ जाती है तो दैट थिंग विल नॉट डिस्कस अदरवाइज विल बी कंफ्यूज ओके अच्छा थर्टी फाइव ए क्या कहते हैं थर्टी फाइव ए जो है बेसिकली जो वहां पर जो परमानेंट रेजिडेंट को डिफाइन करते कि परमानेंट रेजिडेंट कौन है जम्मू एंड कश्मीर के और उनके क्या स्पेशल राइट्स हैं ओके सो आर्टिकल थर्टी फाइव ए जो इतने भी नॉन कश्मीरी पीपल जो है उनको प्रोहिबिट करते कि वो जम्मू एंड कश्मीर में प्रॉपर्टी परचेज नहीं कर सकते ओके okay. सो so, ये है इसके ब्रीफ में अबाउट द प्रोविजन नाउ लेट्स सी कि इनको एब्रोगेट रिपेल क्यों कर दिया था ना आर्टिकल थ्री सेवेंटी एंड थर्टी फाइव ए जो है बेसिकली इनको रिपेल uh, इसलिए किया था ऑन बिकॉज हमें इन प्रिंसिपल को फॉलो करना था प्रिंसिपल ऑफ एक विधान एक निशान और एन एक प्रधान okay, तो बेसिकली देखो एक कॉन्स्टिट्यूशन पूरे कंट्री का एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए दैट इज एक विधान और एक फ्लैग होना चाहिए एक निशान एंड एक प्रधान पूरे कंट्री का एक हेड ऑफ द स्टेट हेड ऑफ द गवर्नमेंट होगा दैट इज प्रेजिडेंट बट आर्टिकल थ्री सेवेंटी और थर्टी फाइव ए एक एग्जिटेंस की वजह से ये अभी लाइक यू नो फ सो मेनी ईयर्स इट वॉज नॉट पॉसिबल सो इसलिए फॉर टू फुलफिल दिस प्रि दिस प्रिपल्स इट वॉज डन कि हमें अब इसको इन आर्टिकल्स uh, को रिवोक कर देना चाहिए ओके okay. और ये जो आर्टिकल थ्री सेवेंटी एंड थर्टी फाइव जो ये कहते हैं कि इनको रिवोक नहीं करना चाहिए ना वॉट देश दैट दैट देस एज दैट की ये स्पेशल स्टेटस जो प्रोवाइड किया हुआ है उसके स्पेशल स्टेटस की अगेंस्ट जाता है ओके okay. और कुछ लोग वो ये भी कहते हैं कि दैट यू नो ये कॉन्स्टिट्यूशनली एक सेपरेटिज्म कि उन्होंने सेपरेट एक ऑटोनोमी रीजन एक रिकोगनाइज किया हुआ है तो यू नो इट शुड नॉट बी रिवोक्ड दोज यू नो वर अगेंस्ट रिवोकिंग दिस बट येस जो इसके फेवर में है हमें रिवोक क्यों कर देना चाहिए तो दैट इज यू नो बे बिकॉज ऑफ दीज थ्री प्रिंसिपल ताकि हमारा एक विधान हो एक निशान हो एंड एक प्रदान हो ओके सो दैट इज अ पॉइंट ओवर टू बी नोटेड हियर ना इसको रिवोक किसने किया था अफकोर्स द प्रेजेंट बीजेपी लेट एनडीए गवर्नमेंट उन्होंने ये मेंशन किया था कि दैट यू नो इंडियन इलेक्शन मैनिफेस्टो दैट दे आर यू नो बेसिकली कमिटेड एंड दे विल डेफिनेटली जम्मू एंड कश्मीर को वो इंडिया के साथ फुल्ली इंटीग्रेट करेंगे एंड दैट विल बी पॉसिबल जो बीच में ऑब्स्टिकल है आर्टिकल थ्री सेवेंटी एंड थर्टी फाइव ए ये स्पेशल स्टेटस को रिवोव करके ही होगा ओके सो फिफ अगस्ट नाइन टू थाउजेंड नाइनटीन डेट ईयर इसको बिल्कुल याद रखना हमेशा ये लाइक इट विल बी पार्ट ऑफ अवर लाइक जो सिलेबस जो होगा दिस जैसे ट्वेंटी अक्टूबर जो मैंने पहले मेंशन किया था अक्टूबर मैं वैसे ही ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट अब हो गया ओके okay. तो फिफ्थ फिफ्थ अगस्त को क्या हुआ था टू थाउजेंड नाइनटीन में सबसे पहले प्रेजिडेंशियल ऑर्डर के थ्रू सुबह सुबह ये ऑर्डर निकाला था रामनाथ कोविंद जी ने प्रेजिडेंशियल ऑर्डर के थ्रू जो आर्टिकल थर्टी फाइव ए जो है थर्टी फाइव ए जो जिसको एड किया था

And shall thereupon supersede the Constitution Application to Jammu and Kashmir Order 1954। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है इसके थ्रू सिंपल वो यही कह रहे हैं कि दैट जो ये ऑर्डर है ना ये ऑर्डर 1954 के ऑर्डर को सुपर कर देगा उसको रिप्लेस कर देगा ओके okay? तो दैट मींस उस ऑर्डर के थ्रू कुछ भी चेंजेस हुआ फ्रॉम टाइम टू टाइम उसके थ्रू अगर आपने थर्टी ए को एड किया एवरी विल बी नलिफाइड नाउ ओके okay, और इसमें और भी बहुत सारे टेक्निकलिटी पॉइंट इन्वॉल्व है जिसके थ्रू ये ईजी कर दिया था कि दैट आर्टिकल थ्री सेवेंटी को रिवोक कर सके नाउ सी इतना ही आसान था तो पहले ही हो चुका होता बट येस yes, बहुत सारे टेक्निकलिटी इन्वॉल्व थे बट स्टेप बाई स्टेप इसको रिमूव किया ओके okay, तो यहाँ पर प्रेजिडेंट के साइन भी है तो आप देख सकते हो रामनाथ कोविंद सो so, प्रेजिडेंट ऑर्डर के थ्रू तो प्रेजिडेंशियल ऑर्डर के थ्रू थर्टी फाइव ए खत्म हो गया अब दो और रेजोल्यूशन प्रेजेंट किया था एक रेजोल्यूशन था रिलेटेड टू आर्टिकल थ्री सेवेंटी को रिपेल करने के लिए ओके okay? और दूसरा रेजोल्यूशन था रिलेटेड टू कि दैट uh, पार्लियामेंट uh, जो है वो उसका परमिशन दे कि हम uh, जो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट जो है उसको यूनियन टेरिटरी में ट्रांसफॉर्म कर दे ओके okay? सो so, उससे रिलेटेड था फाइन उसके बाद ये जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल आया था ठीक है अच्छा सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया हुआ था राज्यसभा में देन राज्यसभा में पास हुआ देन इट पार्ट टू तो लोकसभा लोकसभा में सिक्स अगस्त को आया था टू थाउजेंड नाइनटीन तो उसमें वहाँ पर भी पास हुआ एंड देन इट वॉज पास बाई यू नो मेजोरिटी उसके बाद नाइन्थ अगस्त को टू थाउजेंड नाइनटीन में प्रेजिडेंट ने साइन किया एंड देन इट केम इन टू लाइक एग्जिस्टेंस अच्छा जो जम्मू एंड कश्मीर री ऑर्गेनाइजेशन बिल जो है ना थ्रू दिस बिल इस बिल के थ्रू बेसिकली हमने जम्मू एंड कश्मीर को फ्रॉम स्टेट वी डिडेड इन टू यूनियन टेरिटरी वो कौन कौन से लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर ओके लद्दाख जो है वो विदाउट लेजिस्लेचर है दैट मीज वहाँ पर कोई लेजिस्लेशन नहीं होगा जैसे दिल्ली पुदुचेरी जैसे वो यूटी नहीं है इट विल बी लाइक चंडीगढ़ अंडमान निकोबार लक्षद्वीप वहाँ पर जहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू अपॉइंटेड ओके और वो एडमिनिस्टर करेंगे एंड जम्मू एंड कश्मीर जो है दैट विल बी विथ लेजिस्लेचर लाइक डेली एंड पुदुचेरी जहां पर एक लेजिस्लेटिव असेंबली बॉडी होगी एक चीफ मिनिस्टर भी होंगे वहां पर गवर्नर दैट लेफ्टिनेंट भी होंगे तो ये डिफरेंस है ओके okay? लद्दाख जो यूनियन टेरिटरी है उसमें दो डिस्ट्रिक्ट मेन कारगिल एंड ले डिस्ट्रिक्ट अच्छा ये जरूर याद रखना दैट आर्टिकल थ्री सेवेंटी को खत्म नहीं किया बिल्कुल टोटली हंड्रेड परसेंट रिमूव नहीं हुआ इट इज दियर उसमें कुछ लाइन अभी भी मेन्शेंड है ना वॉर इट से ऑल प्रोविजन्स ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन एज अमेंडेड फ्राम टाइम टू टाइम विदाउट मॉडिफिकेशन और एक्सेप्शन शैल अप्लाई टू दफ जम्मू एंड कश्मीर ओके तो कुछ लाइन्स उसमें अभी मैंशनड है तो इट्स मेनी प्लेस इट इज मैं थ्री सेवेंटी को बिल्कुल ही लाइक इट वॉज रिमोव्ड नो थर्टी फाइव ए खत्म हो चुके हैं थ्री सेवनटी में अभी भी कुछ जो लाइन्स है बट येस yes, ज़्यादा कोई रिलेवेंट नहीं है जस्ट उसका एक क्लॉज वन जो है दैट इज स्टिल दियर ओके okay. अच्छा अब बेनिफिट्स क्या है रिवोकिंग ऑफ दिस आई मीन थ्री सेवेंटी एंड थर्टी फाइव ए फर्स्ट वन कोई स्पेशल प्रोविजन नहीं होगा फुल्ली इंटीग्रेट हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेबल है वहाँ पर अब वो ड्ल्थ सिटीजन ख़त्म हो गया देन uh, जो अदर सिटीजन्स हैं इंडिया में वो भी वहाँ पर प्रॉपर्टीज परचेज uh, कर सकते एक फ्लैग होगा वुमेन uh, के पास ये था कि जम्मू एंड कश्मीर के जो वुमेन अगर हमारे इंडियन के किसी और स्टेट्स के साथ अगर किसी परसन uh, uh, जो आई मीन नॉन जम्मू एंड कश्मीर की किसी से अगर वो मैरिज करते हैं you know, अपने प्रॉपर्टी राइट को लूज कर देंगे ना दैट थिंग नॉट बी दियर इसको लाइक like यहाँ पर आप बहुत अच्छे से देख सकते हो बिफोर जब थ्री सेवनटी एंड थर्टी फाइव ए रिवोक करने के से पहले का प्रोविजन क्या है और थर्टी फाइव एंड थ्री सेवेंटी को रिवोक करने के बाद का प्रोविजन क्या है इसमें सारा यहाँ पर समराइज है यहाँ पर देखो सबसे पहले स्पेशल प्रोविजन था अब वो स्पेशल पावर प्रोविजन वाला नहीं होगा ड्वेल सिटीजनशिप था अब नाउ सिंगल सिटीजनशिप सेपरेट फ्लैग था जम्मू एंड कश्मीर के लिए नाउ इंडियन फ्लैग विल भी अपलिकेबल ओके और स्टेट चार्ज ऑफ पुलिसिंग था नाउ सेंटर सुपरवाइज पुलिस होगा बिकॉज यूनियन टेरिटरीज़ हैं वो एंड सी यू नो दिस वॉज द फर्स्ट टाइम कि कोई स्टेट को यूनियन टेरीटरी में कन्वर्ट किया ऐसा पहले कभी नहीं हुआ ओके okay. और थ्री आर्टिकल जो है दैट इज़ फाइन रिलेटेड टू फाइनेंशियल इमरजेंसी प्रेजिडेंट जम्मू एंड कश्मीर अगर डिक्लेयर करते तो जम्मू एंड कश्मीर के लिए एप्लीकेबल नहीं था पहले नाउ इट विल बी एप्लीकेबल ओके रिजर्वेशन के लिए माइनॉरिटीज़ के लिए वो था नहीं पहले नाउ इट दे विल भी माइनॉरिटीज़ जो हैं अब वो रिजर्वेशन के लिए एलिजिबल okay. है ओके इंडियन सिटीजनस जो अदर स्टेट्स हैं वो प्रॉपर्टी परचेज नहीं कर सकते थे लैंड नहीं परचेज कर सकते थे जम्मू एंड कश्मीर में नाव दे कैन डू इट एंड आर टी आई जो था वो एप्लीकेबल नहीं था पहले नाव इट विल भी एप्लीकेबल सो ये बेनिफिट्स हैं थ्री सेवेंटी और थर्टी फाइव ए को रिवोक करने से बहुत ही इंपॉर्टेंट है आई होप दिस पर क्लियर टू ऑल ऑफ़ यू थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो